जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 19 अप्रैल 2019 दिन शुक्रवार, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पूर्णिमा तिथि शाम 4:42 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 10:45 से लेकर 12:20 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आपकी पढ़ाई में असफलता, एग्जाम का नंबर कम आना या आपको नौकरी ना मिल पाना या बार बार आपका प्रमोशन रुक जाना या सरकारी कर्मचारियों का बार बार ट्रांसफर हो जाता है या आपका चलता हुआ व्यापार ठप पड़ गया है और आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं जिससे आप पर कर्ज का बोझ चढ़ता जा रहा है या आपके विवाह में विलंब हो रहा है या आपका विवाह तो हो गया है परंतु आपके गृहस्थ जीवन में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है या आपका स्वास्थ्य आए दिन बिगड़ जाता है या अपने जीवन में आप अन्य किसी भी समस्या से पीड़ित है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्याओं में फायदा महसूस होगा। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे यदि हमारे नौजवान युवक और युवतियां ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी शादी की उम्र तो निकलती जा रही है परंतु उनकी शादी तय नहीं हो पा रही है, बात तो उठती है परंतु फाइनलाइज नहीं हो पाती है, तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपकी शादी की बात आगे बढ़ेगी और जल्द से जल्द आपका विवाह तय होगा। यह उपाय बड़ी सरलता से आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है और आज इस उपाय को जानने के लिए आप लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखते रहें। प्रिय भक्तगणों, आज की चर्चा से पूर्व मैं हनुमान जयंती के अवसर पर पवन सुत हनुमान जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी भक्तगणों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनका जीवन सुखों से परिपूर्ण करें और उनके परिवार की रक्षा करें। आप सभी भक्तगण आज हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हर मुश्किल स्थिति में आपको डटे रहने का साहस प्रदान करें। आज आप हनुमान जी को ध्यान करते हुए इस मंत्र का प्रयोग करें, ओम श्री हनुमते नमः। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि पिछले कई दिनों से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था तो आज आप बेहतर महसूस करेंगे और खुद को जोशीला और ऊर्जावान पाएंगे। आज आपको अपने लाइफ पार्टनर पर गर्व करने का मौका मिलेगा क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आपके दिल की हर बात को समझकर आपको खुश रखने का हर संभव प्रयास करेगा। इन प्रयासों में आपको भी उनका साथ देना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। आप आज उन्हें कहीं घुमाने बाहर लेकर जाएं, इससे उनको भी लगेगा कि आपको उनका ख्याल है। आज टाइम साथ में बिताने से आप दोनों के रिश्ते बेहतर होंगे और आपसी तालमेल और प्यार भी बढ़ेगा। आज आपका रुझान धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ेगा और आज आप अपने घर में यज्ञ हवन का आयोजन कराएं और साधु संतों की सेवा करें और उनकी संगत करें, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आज आपको कुआरी कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको भोजन करवा के उनके जाने से पूर्व उनका आशीर्वाद अवश्य लें, इससे आपको बुद्ध देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज माथे पर हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। आइए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। ठेकेदारी के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन खास है। आज किसी बड़े क्लाइंट के साथ आपकी डील फाइनलाइज हो सकती है, जिससे आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। आज आप अपनी व्यवहारिक कुशलता से किसी से भी अपना काम निकलवाने में सफल रहेंगे। आज आलस्य करना आपकी नौकरी या व्यवसाय के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि आपको बॉस से डांट फटकार मिलेगी या आपका कोई पुराना क्लाइंट आपके आलस्य के चलते नाराज होकर जा सकता है। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप आलस बिल्कुल भी ना करें और प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर अपने काम धंधों में जुड़ जाएं। आज आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज आपके सामने उनकी हर योजना धरी की धरी रह जाएगी। यदि आपकी सरकारी नौकरी है तो और पिछले कई दिनों से आप अपनी पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आज आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। आज अंधे व्यक्तियों को लड्डू खिलाने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशि फल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज आपके ससुराल पक्ष के लोगों को धन हानि उठानी पड़ सकती है। आज आप मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, जिस कारण आप अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। छोटी छोटी अड़चनें भी आज आपको बहुत बड़ी प्रतीत होंगी और मनोबल गिरने से आप अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं, क्योंकि आज वही आपकी हौसला अफजाई करके आपको प्रोत्साहित करेंगे। आज आप अपने घर की सुरक्षा पर ध्यान दें। आज आपके घर में चोरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर संभव हो तो घर लॉक करके ज्यादा देर के लिए ना जाएं और अपने पड़ोसियों से भी आपके घर का ध्यान रखने के लिए कहें। आज आप लंगर ग्रहण करने से परहेज करें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका लाइफ पार्टनर आपको अपने अच्छे संस्कारों और मधुरभाषी स्वभाव का परिचय देगा, जिससे आप अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। आज आपकी बिजनेस ट्रिप्स आपको एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप बनाने में मददगार होगी और आप अपनी कंपनी के लिए कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट पाने में भी सफल होंगे। परंतु आज आपके परिवार का कोई सदस्य ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है या आपके धन को हड़पने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। आज आपका फ्रेंड सर्कल भी शरीफ मित्रों की मिलने की वजह से और बेहतर होगा, जिससे आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित होंगे। छात्रों को अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर आने से आज उनका मनोबल बढ़ेगा। आज आपको अंडा, मीट, मुर्गा, शराब इत्यादि का सेवन करने से बचना है। इनका सेवन आज आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आज व्रत रखना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज पेट के विकारों के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आप अपने कार्यों के निर्वाह अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार नहीं कर पाएंगे। आज आपको तला भुना खाना भी अवॉइड करना चाहिए। यदि आपकी बेटी है तो आज उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आपको मानसिक परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी और आपका धन और समय भी नष्ट होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आए दिन बीमार ही रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रेणुष ऋषि जी या गुरु मां रुक्मिणी द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और वे पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी आपको कुछ दिनों तक लाल रंग के पिलो कवर्स का प्रयोग करना चाहिए, इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं और इस विदेश यात्रा से नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी करियर ग्रोथ के नए ऑप्शंस मिलेंगे। भाई बहनों के साथ भी आज आपके संबंधों में मधुरता आएगी। यदि आप कवि हैं या अदाकारी के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आज आप अपनी ऑडियंस का दिल जीत पाने में सफल होंगे
और माउथ पब्लिसिटी की वजह से आज आपकी पॉपुलैरिटी भी साथ ही आसमान पर पहुंच जाएगी। हमारे वीर सैनिकों को भी आज अपनी देशभक्ति दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और वे दुश्मन को ध्वस्त करके हमारे देश की रक्षा करेंगे। आज आपका हंसमुख स्वभाव भी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, जिससे आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा। यदि आप आज लालच करते हैं या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई गलत कदम उठाते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो यह आज आपके लिए घोर अनिष्टकारी होगा। आज सफेद गाय को चारा खिलाने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। प्रिय भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर्म कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आइए अब जानते हैं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आज आप अपनी आईज में स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं तो आज आपको अपनी आंखों का चेकअप अवश्य कराना चाहिए। आज आपकी बहन को कोई मौसमी बीमारी हो सकती है, इसलिए आप उनकी सेहत का ध्यान रखें। आज आपका मधुरभाषी स्वभाव आपको अपने मित्र गणों की आकर्षण का केंद्र बना देगा और आज आपके मित्र आपके साथ समय बिताने के लिए आपको अपने घर पर इन्वाइट भी कर सकते हैं। आज आपके संबंध आपके बिजनेस पार्टनर के साथ बेहतर होंगे और आज आप दोनों के तालमेल से आपके व्यापार की प्रगति होगी। आज आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठकर अपने बिजनेस की टारगेट ऑडियंस की पसंद नापसंद का विश्लेषण करके उनको किस प्रकार बांध कर रखना है इसकी प्लानिंग करें। आज आप जिस भी कार्य को आरंभ करें उसे खत्म अवश्य करें, अन्यथा वह सदा के लिए इनकम्प्लीट रह जाएगा। यदि आपका आज अदालत में कोई जमीन से संबंधित मुकदमा चल रहा है और आज उसका फैसला आने वाला है तो यह फैसला आज आपके विरुद्ध आ सकता है। आज दूध से बना मीठा हलवा बनाकर बच्चों में बांटना आपके लिए शुभ होगा। आज अपनी माता जी से चावल दान में लेकर अपने कैश बॉक्स में रखने से आपको धन के भंडारों में वृद्धि होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपकी किस्मत का सितारा डूबा हुआ है और आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। शेयर बाजार में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आज आपको भारी घाटा दे सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी आपको मनवांछित रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और भाग्य मंदा होने के कारण आपके सभी कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होती रहती हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके भाग्य का सितारा चमक उठेगा। आज आपको अनइजीनेस महसूस हो सकती है जिस कारण आप अपने कार्यों में मन नहीं लगा पाएंगे। हार्ट पेशेंट्स को आज विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है और आज आप अपनी लो कोलेस्ट्रॉल डाइट को चीट ना करें। तला भुना खाना देखकर आप बहके ना। आज आपको अपनी माता जी का ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आज उनको कोई चोट फाट लग सकती है। आज आप बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं।
आज अपनी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करके यदि आप अपने कार्यों की शुरुआत करते हैं तो उससे उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका क्रोध ही आपके बने बनाए कामों में रुकावट डालेगा और यदि आप तैश में आकर आज किसी का बुरा करते हैं तो उल्टा आप ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आज खुद को शांत रखने के लिए किसी एकांत स्थान पर जाकर भगवान में ध्यान लगाएं और अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। आज आपके मन में अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने का विचार भी आ सकता है, परंतु ऐसा करने से आपको समाज में अपमानित होना पड़ेगा। आज नौकरी पेशा व्यक्तियों को व्यर्थ में ही यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे उनका धन और समय नष्ट होगा। यदि आप तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी उसके लिए समय शुभ है और आज आपकी तीर्थ यात्रा सुखद होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। आज अपने रिश्तेदारों की सहायता पर आप ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, वे आज बहाना मारकर आपको अकेले ही छोड़ सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे आज कोई भी युवक या युवती करके जल्द से जल्द मनचाहा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। आज आप प्रातः काल उठकर पवित्र होकर अपने घर के मंदिर में कृष्ण जी का चित्र स्थापित करें और उसके बाद 108 बार इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। मैं दोबारा आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। यदि आप इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मनचाहा जीवन साथी जल्द से जल्द प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वाहन खरीदने के लिए आपका दिन शुभ है। आज आपकी नेतृत्व करने की क्षमता आपके बॉस को प्रभावित करेगी और वे आज आपको प्रमोशन की खुशखबरी दे सकते हैं। प्रमोशन के साथ ही आज आपको एक नई टीम को लीड करने का मौका भी मिलेगा जिससे आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आज आपके पितृपक्ष का कोई व्यक्ति ही आपकी सहायता करेगा जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। आज का दिन रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बहुत ही शुभ है। आज आपको आम दिनों के मुकाबले कई गुना कस्टमर्स मिलेंगे जिनसे आप भारी मुनाफा कमाएंगे। आज आपकी दादी जी की तबीयत खराब होने से आपकी भाग दौड़ पड़ सकती है। आज आप भैरव के मंदिर जाकर दूध दान करें। आज सफेद या लाल वस्त्र ही धारण करें, यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप किसी विपत्ति में खुद को पाते हैं तो घबराएं नहीं। आज आपके लाइफ पार्टनर के साथ से आप मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना कर उनमें विजय प्राप्त करेंगे। आज छात्रों को अपने अध्यापकों से अपने एग्जाम्स में खराब प्रदर्शन की वजह से डांट पड़ सकती है जिससे आपका मनोबल कम होगा। आज आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे और अपने सेट किए हुए टारगेट्स को मिस कर देंगे जिससे आप शेड्यूल से पीछे हो सकते हैं। आज यदि आपको विदेश यात्रा पर जाना है तो आज कोई ना कोई अड़चन आने से आपको अपनी विदेश यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिससे आज आप अपनी मंजिल पर थके हारे पहुंचेंगे। आज वर्क प्लेस पर हालात सामान्य रहेंगे और आपके सभी कार्य अपनी निर्धारित गति से होते रहेंगे। आज आप पूरी गाय की सेवा करें। आज नहाने के पानी में दही डालकर स्नान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका भाग्य जोर पकड़ेगा और आपको अपनी मेहनत के मनवांछित फल प्राप्त होंगे। आज आप अपने इनकम के नए सोर्सेस जनरेट करने के लिए ऐसे कदम उठाएंगे जो आगे चलकर आपको सफलता प्रदान करेंगे। किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर आज आप शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं, परंतु आज आपको अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप मील्स मिस करें क्योंकि इससे आपके शरीर में कमजोरी भी आ सकती है। हृदय के मरीजों को आज विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आज स्वास्थ्य बिगड़ने से आप अपने परिवार की चिंताएं बढ़ा सकते हैं।
आज पीले वस्त्र धारण करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा? क्या आपका बच्चा होमवर्क करने के बजाय टीवी सीरियल देख करके बिगड़ रहा है? क्या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में पढ़कर बिगड़ गया है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें